नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रियलिटी शो में, जहाँ पर आपको एकदम रियल वीडियो मिलती है हमेशा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ITI उत्तर प्रदेश, यानी कि राज्य व्यावसायिक परिषद उत्तर प्रदेश, ITI परिसर अलीगंज लखनऊ, यानी कि UP ITI के जो फॉर्म भरे गए थे। मैंने अपने चैनल पर पहले भी वीडियो डाली थी कि फॉर्म कैसे भरना है, तो उसका रिजल्ट आ गया है और अभी अभी मतलब आज ही आया है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ठीक है, तो फटाफट से मैं बता देता हूँ आपको जो कैसे यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी आप यूज करें क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा, मैं सजेस्ट करूँगा क्रोम में यूज़ कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्रोम में जाने के बाद आप गूगल खोल लीजिएगा, चाहे मोबाइल में क्रोम हो या हो डेस्कटॉप पर। ठीक है, उसके बाद आपको सर्च करनी है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट BPP UP। ठीक है, इतना ही आपको सर्च करना है और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश इस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक आप देख पा रहे हैं, प्रवेश 2018 का आवंटन परिणाम, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भरना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको भर के बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है एक, ठीक है, तो वेट कीजिएगा, मैं ज़रा डाल देखता हूँ कहाँ है रजिस्ट्रेशन नंबर। जस्ट वेट वेट, हाँ ये रहा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं डाल देता हूँ आपके सामने, 180। ठीक है, 60110, 60110, ओके, उसके बाद 9734। ठीक है, ये हो गया अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। डेट ऑफ बर्थ डाल देना फटाफट से, डेट ऑफ बर्थ है हमारी, ये मतलब मेरा नहीं है, जैसा कि मैंने फॉर्म भरना बताया था उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो पंजीकरण संख्या खोजने पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करना आपको सबमिट और आपके सामने होगा आपका रिजल्ट कि आपका चयन किस व्यवसाय में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, फर्स्ट नहीं, पहले तो देख लीजिए, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि ये अभी पहला चरण है, आवंटन पहला परिणाम है, उसके बाद मतलब फर्स्ट लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट भी निकलेगी, थर्ड भी निकलेगी। ठीक है, तो उसकी लास्ट डेट है, जो फर्स्ट रिजल्ट में जो लोग पास हो गए हैं उसकी लास्ट डेट है ITI में पहुंचने की, वो 25 तारीख, यानी कि 25 तारीख तक जाके वो है जो लोग पास हुए वो एडमिशन ले सकते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो इनकी जो रैंकिंग है ग्रुप ए में वो है 232,064 इनकी रैंकिंग है। ठीक है, और यहाँ पे इनका नीचे आप हेडलाइन पढ़ सकते हैं, आपका चयन किसी संस्थान व्यवसाय में नहीं हो सका है। इसका मतलब यही है कि इनका जो है, मैं जैसा कि आपको मैंने बता दिया था और नहीं बताया होगा तो आप सुन लीजिए, कि इसमें जो है मेरिट बेसिस पे एडमिशन होते हैं, कि जो भी आपके नंबर होंगे हाई स्कूल में परसेंटेज, उसके रिगार्डिंग आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो इनका जो है नंबर नहीं आ पाया है, एडमिशन नहीं हो पाया। ठीक है, अगर आप पास हो जाओगे तो यहाँ पे आपका चयन किसी संस्थान व्यवसाय में नहीं हो सका, यहाँ पर लिखा आएगा आपका चयन इस संस्थान इस व्यवसाय में हो चुका है। ठीक है, तो यही है, तो फटाफट से जाओ और जाके डाउनलोड कर लो। हाँ, अगर और जाने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कर दो तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम सबसे जल्दी आपको अपडेट देते रहेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।